फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको केले के पराठे बनाना बता रही हूँ। ये कच्चे केले के पराठे, ये बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। आप इनको आलू के पराठों की जगह पे बना सकते हैं। तो ये मैंने कच्चे केले को बॉईल कर लिया है, इसको मैंने एक सीटी में उबाला है। तो ये देखिए कितने अच्छे बॉईल हुए हैं, ये गीले भी नहीं है। अगर हम इनमें ज़्यादा सीटी लगा देंगे तो ये गीले भी हो जाएंगे और अच्छे से इनका पराठा भी नहीं बनेगा, गीला हो जाएगा। तो ये मैंने एक सीटी में इसको बॉईल किया है और ये देखिए अच्छे से मैश भी हो गया। और मैंने इसके लिए ये मैंने रायता मसाला लिया है। रायता मसाला मैंने घर में बनाया है। इसमें जीरा, नमक और लाल मिर्च जो खड़ी वाली होती है उसको, जीरा और लाल मिर्च को भून के पीस के बनाया। हींग भी इसमें है थोड़ी सी, और भी हम हींग लेंगे, एक पिंच हींग। चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये अमचूर पाउडर, नमक और ये अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। मैंने ये आधा आधा चम्मच लिया है, नमक एक चम्मच है, रायता मसाला भी एक चम्मच लिया है मैंने। हरी धनिया ली है, इसको मैंने धो के सुखा के और अच्छे से छोटा छोटा इसको चॉप किया है। दो छोटे प्याज लिए हैं, इनको भी छोटा छोटा काटा है, और हरी मिर्च है। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना भी खाएं उतना डाल सकते हैं। और ये मैंने घी लिया है, घी की जगह पे आप ऑयल से बनाना चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं, बटर से बना ले, जिससे भी आपका मन हो उससे बना सकते हैं। और ये आटा जो नॉर्मल हम लोग रोटी के लिए गूंथते हैं वही मैंने लिया है। इसमें आप अगर डालना चाहें तो दो चम्मच ऑयल डाल दीजिए और आधा चम्मच नमक डाल के इसको गूंथ लीजिए। मैंने ऐसे नॉर्मली बनाया है। तो चलिए पहले हम इसको केले को मैश करके हम इसका भरावन तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने केलों को मैश कर लिया, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और केलों को बॉईल करते समय हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो केले गीले हो जाएंगे। अब इनमें हम ये सारी सामग्री डाल देंगे और धनिया, प्याज, हरी मिर्च, अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी सामग्री को मिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल भी गीले नहीं है, जैसे हमारे आलू का डो होता है उसी तरह का है, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरह से एकदम लग रहा है। और अगर आपका केला गीला हो भी जाता है तो आप उसमें सत्तू मिला सकते हैं, एक दो चम्मच सत्तू मिला दीजिए तो उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम पराठे बनाते हैं। तो मैंने आटे से लोई निकाल ली है, लोई काट ली है। तो हमारा आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, पराठे का आटा थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए। कोई भी हम पराठा बनाएंगे तो उसका आटा सॉफ्ट हो। तो इस तरह से मैंने ये कटोरी टाइप का बना लिया, अंगूठे और उंगलियों की सहायता से ऐसे साइड साइड से दबा के। अब हम इसमें अपने जो हमने स्टफिंग तैयार की है केले की, इसको हम ऐसे भर देंगे और चारों तरफ से ऐसे से दबाते हुए और ऊपर आटा निकाल के इस तरह से ऐसे और ऐसे दबा देंगे। और थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे तो जिससे हमारा जब हम बेलेंगे तो हमारा मसाला बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे बढ़ा के अब हम इसको बेलेंगे। और मैंने तवा गैस पे चढ़ा दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल भी हमारा मसाला बाहर नहीं निकल रहा है। आप इसको अपने अनुसार छोटा बड़ा जैसा भी हो वैसा बना सकते हैं। तवा देखिए हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें पराठे को डाल देंगे और हम थोड़ा एक और पराठा भी साथ में बेलते जाते हैं जब तक वो एक साइड में सिक रहा है। तो देखिए ये जब एक तरफ अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसको पलट के और इसमें घी लगा लेंगे और इसको फिर से हम दूसरी साइड में पलट के घी लगा लेंगे। तो देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार है, इसको मैंने अच्छे से सेक दिया है। ये देखिए इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। तो देखिए हमारे पराठे बनकर तैयार हैं।
आप इनको अचार, सब्जी या फिर दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।